नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेतराम सिंह, विभाग अध्यक्ष लोक प्रशासन श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज जो अपना टॉपिक होगा वह है व्यवस्थापिका का अर्थ एवं इसकी परिभाषाएं। तो इसको लेके अगर हम बात करें तो जो व्यवस्थापिका है, इसको जो लेजिस्लेचर जो पार्ट है सरकार के, जो तीन अंग हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो सरकार के जो तीन अंग हैं, इन तीन अंगों का ही जो महत्वपूर्ण अंग माना जाता है वह है व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका क्योंकि सरकार का एक कानून बनाने वाला जो पार्ट है और सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो व्यवस्थापिका के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और क्योंकि जो व्यवस्थापिका के जो जिसको सदन जिसे हम कहें, मान लो भारत में अगर संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया गया है तो जो संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका को भी भागों में, जैसे मान लो उदाहरण के लिए उच्च सदन भी है व्यवस्थापिका का, एक निम्न सदन भी है। तो इसी प्रकार जहाँ जहाँ संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है वहाँ वहाँ ये जो व्यवस्थापिका है ये अपने देश में जो कानून बनाने का जो कार्य है वो इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। उदाहरण तक अगर हम बात करें तो व्यवस्थापिका का अर्थ और इसकी जो परिभाषाएं, इसके संदर्भ में बात आज हम करेंगे। और क्योंकि इस सबसे पहले तो इसका अर्थ ही समझना हमें ज़रूरी है कि आखिर में व्यवस्थापिका है क्या। तो क्यों कि राज्य एक अमूर्त संस्था होती है जो दिखाई नहीं देती बल्कि उसके अस्तित्व की एक कल्पना की जा सकती है। तो क्योंकि जो राज्य है और राज्य का जो राज्य के लिए आवश्यक जो तत्व माने गए हैं कि राज्य के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो राज्य के लिए उदाहरण के लिए जैसे मान लो एक निश्चित भूभाग भी होगा, वहाँ जनसंख्या भी होगी, वहाँ सरकार भी होगी, इस प्रकार की वहाँ संप्रभुता भी, एक जो चार मान लो उदाहरण के लिए जो तत्व माने गए हैं कि वही राज्य के लिए एक आवश्यक वहाँ जो क्षेत्र है उसमें एक जनसंख्या होनी चाहिए, वहाँ जनसंख्या के साथ साथ जो भूभाग है उसमें एक सरकार का भी निर्माण होना चाहिए और उनमें संप्रभुता भी उसके पास होनी चाहिए। तो जो सरकार है, जो सरकार से आश्रय लिया जाता है कि राज्य क्योंकि एक ऐसी संस्था है कि इस राज्य या देश को चलाने के लिए सभी आवश्यक जो तत्व हैं वो चार, उनमें एक जो सरकार है, सरकार का आश्रय उसी व्यवस्थापिका से लिया जाता है जिसमें रह के उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो कानून तैयार किए जाते हैं, उन कानूनों का जो निर्माण किया जाता है वो इस व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। और क्योंकि अगर हम बात करें इसी में कि राज्य समाज का एक अनिवार्य राजनीतिक संगठन है जो अपने क्षेत्र के अन्य सभी संगठनों से सर्वोच्च होता है। अब उदाहरण के लिए बात करें कि राज्य जिन चार तत्वों से मिलकर जो बनता है उनका जो एक तरह से महत्वपूर्ण जो सरकार है इसी में, और सरकार जैसा कि डॉक्टर गार्नर ने भी कहा है कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन द्वारा होती है उसका नाम ही सरकार है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसका जो परिभाषा अर्थ है व्यवस्थापिका से ऐसे किस उससे लिया जाए, तो उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जो सरकार है वो सरकार जो कि अपने बहुमत से चुनी हुई सरकार है, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ बहुमत से चुनी हुई सरकार है, और संसदीय शासन प्रणाली जिन जिन देशों में लागू की गई है वहाँ इसके, जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटेन की अगर हम बात करें और ब्रिटेन से ही हमने इस संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया है, तो वहाँ उच्च सदन के लिए बात करें तो वहाँ लॉर्ड सभा, और निम्न सदन की बात करें तो वहाँ कॉमन सभा है। इसी प्रकार भारत की अगर हम बात करें तो भारत में उच्च सदन के रूप में यहाँ राज्यसभा है और निम्न सदन के रूप में यहाँ लोकसभा है, जो सो कि जो लोकसभा के प्रतिनिधि हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि जो उच्च सदन है राज्यसभा का उसके जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा ही उनको चयन किया जाता है, उनका चुनाव किया जाता है, जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया जाता बल्कि उसको अप्रत्यक्ष रूप से जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, सॉरी चाहे वो राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से वो चुनकर जाते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें
तो सरकार का जो अंग है ये एक तरह से जो व्यवस्थापिका वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका कार्य होता है सरकार के लिए कानूनों का निर्माण करना या किसी कानून में अगर संशोधन करना है तो वो संशोधन का कार्य भी इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। साथ ही इस तरह की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये सरकार के तीन अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है और अपनी जो संप्रभुत्व जो इसकी शक्ति है उसका ये प्रयोग करते हैं, तो इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसको लेके जो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में जो अभिव्यक्त किए हैं इसकी जो परिभाषा कहें या उसके अर्थ को इन्होंने जो डिफाइन किया है उनमें सबसे पहले जो जैसे कि सोल्टाउ के शब्दों में अगर बात करें तो इनका कहना था कि सरकार से हमारा तात्पर्य उन सब व्यक्तियों और संस्थाओं तथा साधनों से होता है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है और उसे क्रियान्वित किया जा सकता है। इसी संदर्भ में अगर वर्क की हम बात करें, प्रोफेसर जो विद्वान वर्क हुए उन्होंने कहा कि सरकार मानव बुद्धि का आविष्कार है जिसके द्वारा मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण की जाती हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में भी कहा गया है कि सरकार सामाजिक जीवन के उस पहलू से संबंधित है जो सहमति और नियंत्रण शक्ति एवं प्राधिकार पर केंद्रित है। इसी प्रकार इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज की अगर बात करें तो उसमें भी कहा गया है कि सरकार व्यक्तियों के एक समूह से बनती है जो शक्ति के प्रयोग और प्रयोग में एक निश्चित नेतृत्व के माध्यम से हिस्सा लेती है। तो अगर बात करें तो ये जो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने जो शब्दों में व्यवस्थापिका को लेकर जो अपने अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है इसके मीनिंग को जो डिफाइन किया है उन्हीं के आधार पे अगर बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि इसके जो उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों की जो पूर्ति है उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही इसको ये अपने कार्य करती है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो व्यवस्थापिका जो सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है और एक ऐसा अभिकरण या तंत्र है जिसके माध्यम से राज्य की जो इच्छा है वो निर्मित अभिव्यक्ति और लागू भी की जाती है। इसी प्रकार से जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने शब्दों में इसको अभिव्यक्त किया है। अगर बात करें जो अलग अलग है जैसे मान लो कोई एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटकान में इस बात का उल्लेख किया है कि सामाजिक पहलू इन्होंने जो जोर दिया है वो किस पर दिया है, सामाजिक पहलू पर, कि सामाजिक पहलू के उससे संबंधित है जो सहमति और नियंत्रण जो शक्ति एवं प्राधिकार पर केंद्रित है। इसी प्रकार अगर बात करें तो जो वर्क ने भी ये कहा है कि सरकार क्या है, मानव बुद्धि का आविष्कार है जिसके द्वारा मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण की जाती हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें तो यही है कि ये कहा जा सकता है कि इसके जो उद्देश्यों की पूर्ति है वो राज्य नामक राजनीतिक संगठन के द्वारा ही की जाती है। धन्यवाद।